स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल S2T में। आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में हम बात करेंगे सेल्फ ड्राइविंग कार के बारे में, यानी ऑटोनोमस कार के बारे में। तो आइए जानते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये है क्या। आप में से काफ़ी लोगों को पता हो कि आजकल के कार में क्रूज़ कंट्रोल आता है, ये समझिए उसी का बड़ा भाई है। मतलब आपका गाड़ी के पास ये कैपेबिलिटी होना चाहिए कि वो खुद को चला सके, गाड़ी खुद ब खुद चल सके। तो आप लोग बहुत पता, जिनके पास पार्किंग फीचर है, एडवांस इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम, कार आधा रास्ता तो वहीं कर लिया, मतलब है उसके पास टेक्नोलॉजी। फिर इसमें यह होता है कि ये एक स्टेप है कि गाड़ी खुद को चला सके। दूसरा स्टेप ये होता है कि ये नेविगेट कर सके। ये बात को आप ध्यान से समझिए। आप ऐसा गाड़ी नहीं चाहते हैं कि जो जिसको आप बोले इधर से लेफ्ट मोड़ो या उधर से वो करो, आप ड्राइवर नहीं रख रहे हैं। आप ये बोलिए कि हमको ऑफिस से घर ले चलो। तो इसीलिए नेविगेशन का स्किल होना ज़रूरी है गाड़ी में, तभी मतलब, क्योंकि बहुत सारे गाड़ी आजकल स्मार्ट कार आप मर्सिडीज़ के और ये BMW का खरीद सकते हैं जिसमें ऑलरेडी है पार्किंग फीचर और रिट्रीव फीचर। तो वो उसको आप सेल्फ ड्राइविंग कार नहीं कह सकते क्योंकि इसमें नेविगेशन नहीं है। जब तक नेविगेशन नहीं है, और लॉन्ग रेंज नेविगेशन बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि पार्किंग लॉट से बाहर निकाल दिए, मैं बोल रहा हूँ मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो ये दो चीज़ अगर कर सकता है आपका गाड़ी, तब उसको कहा जाएगा ऑटोनोमस कार। तो ये काम कैसे करता है, ये मैजिक हो कैसे जाता है? तो आप ये समझिए इसके चार स्टेप हैं। पहला स्टेप है ऑब्जर्व करो, पहले देखो हो क्या रहा है। इंसान के केस में इंसान दो तरीके से देखता है, आँख से और कान से। कान से सुनता है, आँख से देखता है। इसके केस में हम लोग सब चीज़ डाल दिए, क्योंकि इसको इंसान से बेटर बनाना है तभी वो इंसान से कम्पीट कर पाएगा, इसलिए इसमें हर चीज़ डाले। कैमरा डाले हैं, उसके बाद सोनार डाले हैं, उसके बाद लाइडार डाले हैं, लाइडार के बाद रेडार डाले हैं। तो इतना सब चीज़ डालने के बाद ये फ़ायदा ये होता है कि ये हर माहौल में, चाहे बारिश हो, चाहे कोहरा हो, चाहे मतलब तूफान ही क्यों ना आ रहा हो, ये आराम से देख सकता है, आराम से समझ सकता है, इसको कोई टेंशन नहीं है। तब समझिए ऑब्जर्व के मामले में हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। इंसान जैसे रात को नहीं देख सकता, ये रात को देख सकता है, कोई टेंशन नहीं है। फिर ऑब्जर्व के बाद आता है, ठीक है, उतना सारा डेटा जो बना उसको क्या किया जाएगा। उस डेटा को रिकॉर्ड तो नहीं करना है ना, कोई सिनेमा नहीं बनाना है ना, उसको प्रोसेस किया जाएगा। अब प्रोसेस का ये मतलब होता है कि उसको डेटा को लेके उसको ऑर्गेनाइज करना, कौन किस क्लॉक से आ रहा है, किस सेंसर से आ रहा है, ये सब ऑर्गेनाइजेशन का काम करने का काम CPU GPU या FPGAs करते हैं। मतलब कई बार कोशिश की जाती है, मतलब जब आप बनाने का कोशिश कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में ही आपको कंपोनेंट्स नहीं मिल जाएगा ना मैन्युफैक्चरर के पास, है कि आप इंटेल के पास नहीं बोल सके ना मुझे सेल्फ ड्राइविंग के लिए कंपोनेंट दो। तो पहले लोग CPU GPU बनाते थे, इस तरह का आपको तिकड़म मिल जाएगा, सर्वर हार्डवेयर से बनाया जाता था। तो जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी तो ये सब के लिए कस्टम हार्डवेयर आने लगेंगे। अभी इसकी गाड़ी खुली है, मैं भी मतलब NVIDIA पास्कल कार्ड बनाता है जो सेल्फ ड्राइविंग कार के लिए है। तो आप समझिए कि ये प्रोसेसिंग का काम होता है। उसके बाद अब प्रोसेसिंग के बाद तो ठीक है, आपने देख लिया, आपने समझ लिया, अब उसके बाद आप डिसाइड तो करो, मतलब आपको करना क्या है। अब देख लेना, समझ लेना तो एक वो तो बच्चा भी कर लेता है, लेकिन उसको डिसाइड करना कि अब क्या करना है, इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पे आप बस ये समझिए कि ये डिसाइड करता है कि गाड़ी में ब्रेक लगाना है कि एक्सेलरेट करना है, लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है, और ये मतलब इसी के चलते नेविगेशन पॉसिबल है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके वो सेल्फ पार्किंग कार में नहीं होता है। तो डिसाइड आपने कर लिया, आप ठीक है, आप डिसाइड तो कर लिया, उसके बाद एक्सिक्यूट कैसे कीजिएगा। मतलब ठीक है, आपने सोच, ये सब तो मन में ही हुआ, मतलब अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, तो गाड़ी इधर उधर कैसे कीजिएगा। उसके लिए एक्सिक्यूट के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं जिसको कहते हैं ड्राइव बाय वायर, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली आपका गाड़ी चल रहा है। तो आप बोलोगे ऐसा गाड़ी कहाँ होता है जो इलेक्ट्रॉनिकली चल रहा है, आपका स्टेयरिंग व्हील वही है, ड्राइव बाय वायर ही है। आपके बहुत सारे स्टेयरिंग व्हील में हाइड्रोलिक सिस्टम होगा या इलेक्ट्रिक सिस्टम होगा जो इस तरह का दिखता है, जिसका का मतलब आप स्टेयरिंग जो घुमा रहे हैं तो उतना प्रेशर पे वो नहीं घूमता है, मतलब जितना आप जोर यहाँ से यहाँ लगा रहे हैं उतने पे नहीं गाड़ी मूव कर सकती है। तो उसके लिए सपोर्ट लगाया जाता है इलेक्ट्रॉनिकली या हाइड्रोलिकली। तो ये सबको ही हम लोग कहते हैं ड्राइव बाय वायर, मतलब अगर वो बंद हो जाए तो बहुत मुश्किल होगा ये सब करना। तो देख सकते हैं सेंसर ऊपर लगा रहता है, पीछे प्रोसेसर लगा रहता है, और आपकी गाड़ी में समझिए आधा रास्ता तो हो ही चुका है, सबके गाड़ी में आता है आधा चीज़ इसका। तो फिर सवाल ये बनता है कि अरे इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, इसका क्यों ज़रूरत है। तो बहुत लोगों को आप में से लगेगा जो गाड़ी चलाना चाहते हैं तो सिर्फ लग्जरी फीचर है, लोग लग्जरी के लिए भाग रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। सवाल ये है कि हमारा जो गाड़ी का इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे जो रोड है, ये जानलेवा है, मतलब लोगों की जान जाती है। आप कहोगे यार प्लेन में भी तो जाता है, प्लेन में 300-400 लोग सालाना जाते हैं। अगर आप गाड़ी की बात करते हो, 100 से ज़्यादा डेथ, यानी 100 लोग ऊपर चले जाते हैं पर दिन अमेरिका में, और 300 से 400 लोग प्रतिदिन इंडिया में ऊपर चले जाते हैं। तो अब आप बताइए, आप आखिरी बार कब सुने थे कि एक प्लेन जंबो जेट का एक्सीडेंट आज हुआ, कल दूसरे जंबो जेट का एक्सीडेंट हुआ, तीसरे दिन फिर जंबो जेट का एक्सीडेंट। प्लेन में तो मतलब साल, मतलब 2017 में तो कुछ नहीं हुआ था, 2016 में काफ़ी एक्सीडेंट हुआ, 2018 में भी शायद एक दो ठो हुआ।
और वो भी किसी में भी ऐसा नहीं हुआ कि 500-600 लोग चले गए, सब मिला के भी आप देखिएगा तो। और यहाँ गाड़ी तो मतलब डेली 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 निकल रहा है। आपको मैं कहूँगा कि आप ध्यान दीजिए कि कोई भी न्यूज़ चैनल आप देख रहे हैं, नीचे हमेशा चलता रहेगा कि यहाँ पे 4 लोगों का दिल्ली में मौत हुआ, यहाँ इस हाईवे पे मौत हुआ, यहाँ ऐसे हो गया, मतलब डेली चलता रहता है। ये इतना आता है कि हम लोग को दिखना बंद हो जाता है और ये हमारा ब्रेन करता है नहीं तो डर जाएगा, तो ठीक है तो हम लोग झेल लेते हैं। लेकिन आप समझिए कितने लोगों की बेमतलब का जान जा रहा है। मेरे अभी मेरे एक फैमिली मेम्बर और एक पड़ोसी का डेथ हुआ, थोड़े दूर के रिश्तेदार थे लेकिन हुआ, दोनों का एक्सीडेंट व्हीकल रिलेटेड हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब जान सस्ता चीज़ नहीं है, आप पैसा से गाड़ी खरीद सकते हैं लेकिन जान नहीं खरीद सकते ना, तो इसलिए ये करना ज़रूरी है। अब फिर आप बोलोगे ये सब तो नहीं, कोई दारू पी के चला रहा होगा या कोई कुछ कर, नहीं वो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ही अच्छे ड्राइवर नहीं है, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, चाहे काला हो चाहे सादा हो, चाहे लाल हो चाहे नीला हो, हम लोग अच्छे ड्राइवर नहीं हैं। हमारा इवोल्यूशनरी पाथ जिससे हम लोग को बनाया गया है, ये बना नहीं है ऐसे करके गाड़ी चलाने के लिए नहीं बना। हम लोग थक जाते हैं, हार जाते हैं, मतलब आप कभी जमाई ले रहे हैं गाड़ी चलाने टाइम, उस दरमियान एक्सीडेंट हो सकता है और हम लोग का मतलब रिस्पांस टाइम है ही नहीं। हम लोग मतलब कुछ देखेंगे तुरंत एक्सीडेंट ब्रेक लगा, आपको लग रहा है कि आपने तुरंत दबा दिया लेकिन वो तुरंत तो बहुत लेट हो गया। मतलब अगर स्लो मोशन में आप देखिएगा तो लगेगा कि इंसान देख रहा है देख रहा है देख रहा है, अब कुछ करेगा अब कुछ करेगा, मतलब बहुत स्लो हमारा रिस्पांस है। हम लोग बने नहीं हैं इस स्पीड पे रिएक्ट करने के लिए, मतलब 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा मुश्किल होता है मैनेज करने के लिए। 40-60 में हम लोग खतरनाक रेंज में आ जाते हैं, 100 पे तो पता ही आप लोग काफ़ी लोग ऊपर चले ही जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग अच्छे ड्राइवर हैं ही नहीं, थक जाएंगे, हार जाएंगे, सांस लेने के लिए रुक जाएंगे, पानी पीने के लिए रुक जाएंगे, मोबाइल देखने लगेंगे, तो समझिए हम लोग बुरे हैं। इसलिए गाड़ी का कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग बुरे हैं, तो इसलिए इंसान को हटाना पड़ेगा। तो अब बोलोगे फिर कंप्यूटर से हटा देने में फ़ायदा क्या है, कंप्यूटर से हटा देने में, कंप्यूटर सोता नहीं है कभी, कंप्यूटर को कुछ भी हो जाए वो सोएगा नहीं ना, कंप्यूटर में कुछ भी हो जाए वो दारू पी के तो चलाएंगे, जो काफ़ी 30-25% लोग फ्री फंड का ऊपर चले जाते हैं दारू के चलते, मतलब गाड़ी चला के ठोक दिए हैं, तो ऐसा होने के चलते तो आप समझ ही सकते हैं कि ये कोई ऐसा बात नहीं है जो मतलब जिसको आप इग्नोर कर सकते हैं। काफ़ी लोग मरते हैं, काफ़ी लोगों का जान बेमतलब का चला जाता है। और प्लस आप ये समझिए कि आप सब चीज़ कर लिए कि नहीं हम ध्यान से चलाएंगे गाड़ी, हम एकदम बिना पिए चलाएंगे, लेकिन आपको हार्ट अटैक आ गया तो। और समझ रहे कि आप ऐसा नहीं कि रोड पे जब आप चल रहे हैं तो सिर्फ आपका लाइफ आपके हाथ में, आप किसी और को भी ठोक सकते हैं, उनको भी ऊपर ले जा सकते हैं। तो उस कारण से जैसे मान लीजिए आप चला रहे हैं एकदम सब चीज़ ध्यान देके, एकदम सब सेफ्टी उफ्टी है, आप एकदम ध्यान से चला रहे हैं, आपको हार्ट अटैक आ गया। और होता है लोगों को रोड पर एक्सीडेंट होते हैं, एम्बुलेंस इसीलिए गाड़ी में उड़ाई जाती है, मतलब होता रहता है, चीज़ होता रहता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस दरमियान से ये सबसे आधा से ज़्यादा चीज़ हटाया जा सकता है कंप्यूटर से। फिर आप बोलोगे यार कंप्यूटर में मान लीजिए कभी पावर बंद हो गया, हम बोले कंप्यूटर में पावर बंद हो गया तो आपका गाड़ी बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं कि वो ठोंक देगा किसी को, मतलब ऐसा नहीं कंप्यूटर 100% है कभी फेल नहीं होगा, लेकिन उसका बैकअप रख सकते हैं। ये आप समझ लीजिए कंप्यूटर मतलब प्लेन में भी जो कंप्यूटर बॉक्स होता है जो प्लेन को चला रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बॉक्स रहता है, 3 बॉक्स रहते हैं, 2 चालू रहते हैं, दोनों में मतलब एक दूसरे को देखते रहते हैं, एक तो पूरी तरह से बंद रहता है कि मान लीजिए कोई पावर फेल लेकर चलते हो वो बंद वाला फिर तब चालू होगा। तो कभी मतलब आप कर सकते हैं, इंसान के साथ ऐसा नहीं कर सकते ना, आप इंसान में ऐसा नहीं कर सकते ना कि हाँ हम 3-4 ड्राइवर रखे हुए हैं, तीनों चारों ड्राइवर चला रहे हैं, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए समझिए कंप्यूटर बहुत सेफ़ है और इसका रिस्पांस टाइम हम लोग जितने टाइम में ऑब्जर्व करेंगे कि क्या हो रहा है उतने टाइम में वो डिसीजन लेने का स्टेप ले चुका होगा और एग्जीक्यूशन पे चला जाएगा। तो स्पीड के मामले में तो आप मत सोचिए, मतलब आप जैसे आप गाड़ी चल रहा है 60-100 किलोमीटर प्रति घंटे पर गाड़ी चल रहा है, एक बच्चा रोड पर आया, कंप्यूटर देखा, प्रोसेस किया, हिसाब ले लिया, वो ब्रेक लगाना शुरू कर दिया है जब तक इंसान देख के समझेगा कि कुछ आ गया है सामने, इतना तेज होता है। तो रिस्पांस टाइम में मामले में तो बात ही मत कीजिए। जो लोग कहते हैं कि अरे इंडिया में ये सब गाड़ी नहीं चलेगी, इंडिया में ही ज़्यादा बेटर चलेगा, क्योंकि ये इंडिया में जब देखे जब रोड चला रहे धड़ाक से कोई गाय आ गया धड़ाक से ब्रेक लगा ले, गाड़ी आराम से दूर से देख के समझ सकता है। फिर इतना सब इसमें स्पीड आता सिर्फ इसलिए नहीं कि ये कंप्यूटर है, ये इसलिए आता है कि ये परसेप्शन जो है इसका 360 डिग्री का, मतलब ये आगे पीछे ऊपर नीचे सब देख रहा है। आपको जैसे एक रफ डायग्राम दिख रहा हूँ जो लाइडार से बनाया जाता है, मतलब रेडार को लाइट से अगर आप बनाते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं पीछे भी दिख रहा है, आगे भी दिख रहा है, दाएं बाएं सब तरफ दिख रहा है। तो इससे एक बहुत अच्छा कंप्यूटर को आइडिया मिल जाता है हम कहाँ हैं, मेरे आगे पीछे कितने लोग हैं। पीछे से मान लीजिए कोई गाड़ी अगर आ रहा है बहुत ज़्यादा तेज़ी से तो ये हट जाएगा, भैया ठीक है भाई तुम थोड़ा सा ज़्यादा भावनाओं में रह रहे हो, हट जाते हैं। तो समझिए आप तो बोलेंगे आप क्यों, हम लोग क्यों नहीं कर सकते, आप आगे देखोगे कि ये रियर व्यू मिरर में पीछे देखोगे, ये हर समय हर जगह देख सकता है, प्लस ये रात को भी देख सकता है, जो कैमरे लगाए जाते हैं बहुत लो लाइट में देख सकते हैं, और कुछ कुछ में तो सीधे सीधे नाइट विजन रहता है। रेडार सोनार और लाइडार को रात दिन से कोई लेना देना है नहीं। तो इतना सारा डेटा मिलने से जो दिखता है मतलब ये क्या बोलते हैं गाड़ी को, वो दिखने के चलते ये टेंशन खत्म हो जाता है कि गाड़ी कैसे डिसीजन लेगा, उसके पास सारा डेटा है
हाँ, अब कुछ ना कुछ तो होगा जो गड़बड़ कर सकता है, लेकिन आप समझिए जो डेटा ये ले रहा है अपने पास से, जो डेटा प्रोसेस करके आ रहा है, अगर वो फुटेज आपको हम दिखाएं कि गाड़ी को कैसा दिख रहा है, तो बोले तो बड़ा आसान है, मतलब क्योंकि गाड़ी को ऐसा दिख जा रहा है, यहाँ रोड है, यहाँ साइकिल वाला आ रहा है, यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ ये हो रहा है, या धड़ा से गाड़ी आ गया, धड़ा से ब्रेक लगा दिया, तो आपको लगेगा कि बहुत आसान है। और पिछले कुछ दिनों में तो आपको YouTube में मिल ही जाएगा वीडियो अगर देखिए सेल्फ ड्राइविंग कार का। तो प्रॉब्लम क्या है, तिगड़म क्या है, जब ये इतना आसान है या मतलब इतना जान बचाएगा तो हम लोग क्यों नहीं कर रहे हैं इसको। सबसे पहला प्रॉब्लम है समझिए इंश्योरेंस और पॉलिसी। हमारे इंश्योरेंस और पॉलिसी बहुत धीरे धीरे चेंज होते हैं। इंश्योरेंस ज़रूरी इसलिए है क्योंकि समझिए किसी के जान लाइन पे है, मतलब कोई भी ऊपर जा सकता है, या तो आप खुद ही ऊपर जा सकते हैं या किसी को लेके जा सकते हैं, तो इसलिए इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सब लोग पागल हो जाएंगे। और चाइना बीच में एक बड़ा अजीब सा एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें ये बोला था कि अगर एक्सीडेंट हुआ, आप मान लीजिए किसी को एक्सीडेंट से क्रिपल कर दिए, तो उसका पूरा बिल, मेडिकल बिल आपको मिलेगा। तो लोग ये करने लगे, ठोंक, अगर एक्सीडेंट होता था तो वापस आके ठोंक देते थे कि भैया तुम मर जाओ, मतलब। तो इसीलिए आप समझिए इंश्योरेंस रहना ज़रूरी है। अगर इंश्योरेंस के बिना आप ऐसा करने लगे कि ठीक है एक्सीडेंट हुआ तो उसका खर्चा लोग सीधे ऊपर पहुंचाने लग जाते हैं, तब हिट एंड रन केस बन जाता है, वो अलग चीज़ होता है। तो समझिए कि हम लोग को इंश्योरेंस चाहिए, पॉलिसी इसलिए चाहिए कि तो गवर्नमेंट कैसे हैंडल करेगा, स्पीड का रूल रेगुलेशन कैसे होगा, तो पॉलिसी चाहिए। ये दोनों चीज़ एक थोड़ा सा तिगड़म है। फिर प्रॉब्लम यह कि हम लोग नंबर जो है ना समझते नहीं है, मतलब 3-4 तो आपको पर घंटे दिख रहा है मतलब न्यूज़ चैनल में कि ये मरा, ये मरा, ये मरा, वो ध्यान नहीं देता। 300 प्लेन में दिख जाता है, जो कि मतलब एक ही मतलब सीन आपको 600-700 बार दिखाएंगे, मतलब पूरा 2-3 दिन तक वही न्यूज़पेपर में छपता रहेगा, तो वो आपको लगता है बहुत बड़ा है। ये नहीं दिख रहा कि वो मतलब उससे कई गुना ज़्यादा लोग अब तक मर चुके, मतलब 4-5 दिन बाद अगर आप दिखेगा तो आपको याद तो प्लेन वाला रहेगा, लेकिन तब तक 600-700 लोग मर चुके होंगे। तो इस कारण से हम लोग को परसेप्शन जो है हमारा सही नहीं है, हम लोग को बड़ा नंबर दिख जाता है लेकिन छोटा छोटा ऐड होते हुए नहीं दिखता है। तो इस कारण से हम लोग डिमांड करते हैं कि जब गाड़ी बनाया जाए जो सेल्फ ड्राइविंग हो वो 100% हो, और जो भी फिजिक्स के साथ काम किया, जो भी मैकेनिक्स के साथ काम किया, वो हंसेगा आप पे ये बोल के, ये 100% नहीं हो सकता। प्लेन अभी बहुत सेफ है, मतलब 2017 बहुत सेफ था प्लेन के लिए, एक भी कमर्शियल एक्सीडेंट नहीं हुआ। 2016 में हुआ था, 2018 में भी थोड़ा झटका उठका पड़ता रहा, लेकिन अगर आप सबका हिसाब लगाइए तो काफ़ी सेफ रहता है। मतलब 300-400 लोग साल में जाते हैं, समझिए 300-400 लोग सालाना जाते हैं, और यहाँ पे डेली जा रहे हैं, समझ लीजिए 300 गुना 300 का अंतर है। तो हम लोग का जो ये रिक्वेस्ट है कि 100% दो, ये बहुत नुकसान करता है और कार मैन्युफैक्चर को, कि वो कैसे गारंटी देते हैं कि भाई 100% अचीव होता नहीं है। और प्लेन इतना सेफ इसलिए बना कि कई लाख करोड़ लोग ऊपर जा चुके हैं उसके चक्कर में, हर एक्सीडेंट से लोग कुछ सीखते गए, आगे बढ़ते गए, हर एक्सीडेंट हुआ उससे कुछ सीखे, हर एक्सीडेंट हुआ उससे कुछ सीखते गए, तब जाके इतनी सेफ्टी आई प्लेन में। ऐसा नहीं है कि बस एक दिन सोते उठे और एकदम प्लेन 100% सेफ हो गया गाड़ी में, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि मतलब बिना रियल वर्ल्ड टेस्टिंग के ही सेफ चाहिए। दूसरा, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी की आ जाती है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है। जैसे मान लीजिए किसी का बच्चा ठोका गया गाड़ी से, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, मतलब किसको आप पीटोगे, या किसको रोड पे हलाल करने के लिए आप दंगा फसाद करोगे, किसको मारोगे, कौन है रिस्पॉन्सिबल, गाड़ी बनाने वाला कि वो आदमी। तो समझिए इस सब तिगड़म के चलते फंसे हैं। फिर एंड में ये आता है जो मतलब थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा बुद्धिजीवी, थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा भावना में बह जाते हैं, ट्रॉली प्रॉब्लम। इसका ये मतलब है कि जैसे मान लीजिए कुछ हो गया कि जो गाड़ी आप रोक नहीं सकते, तो ट्रॉली प्रॉब्लम आपको इस तरह का दिखाया जाता होगा, जो एथिक्स के लिए बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, कि अगर आप कुछ नहीं करते 5 लोग मरेंगे, कुछ करते हैं तो 1 लोग मरेगा। तो सवाल है कि क्या आप कुछ करोगे कि नहीं, बस इतना ही समझिए कि मतलब ट्रेन आ रहा है, आपके पास स्विच है, पटरी में पटरी चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर पटरी चेंज नहीं किए तो सीधे 5 लोग ऊपर जाएंगे और पटरी चेंज के लिए सिर्फ 1 जाएगा। क्या आप डिसाइड करते हैं कि वो 1 आदमी को ऊपर भेजना है कि नहीं, क्योंकि आप डिसाइड कर सकते हो कि ठीक है भाई 5 लोग से बढ़िया है 1 ही लोग मरे, लेकिन आप डिसाइड किए, आप कुछ नहीं करते हो तो आप बोल सकते हो कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन तब भी तो ये बात बनेगा कि आप कुछ कर लेते तो सिर्फ 1 आदमी ऊपर जाता। तो यही इस तरह के चीज़ बनाने लगते हैं कि मतलब सेल्फ ड्राइविंग गाड़ी को किसको ठोकना चाहिए। जैसे मान लीजिए इसका ब्रेक फेल हो गया है और इसको ठोकना है, मतलब इसके सामने एक बस है या एक पेडेस्ट्रियन है, किसको ठोके। और मान लीजिए फिर बहुत लोग बोलेंगे भाई पेडेस्ट्रियन को ठोको सिंपली बिकॉज मतलब बस में ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा नुकसान होगा, और पेडेस्ट्रियन को ठोको। अब बाद में ये फिर बोलने लगे नहीं वो डॉक्टर था और ये बस में खूब सारे क्रिमिनल थे। मतलब ये सब नो विन सिनेरियो पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने लग जाते हैं कि मतलब ये होगा तो कैसे होगा। हम लोग खुद 300-400 लोग ऊपर ले जा रहे हैं फ्री फंड का, जो कि सब चीज़ हम लोग सॉल्व कर लेते हैं जैसे। तो आप समझिए कि ये फजीहत में काफ़ी वक्त बर्बाद हो रहा है और जान भी जा रही है। ऐसा नहीं ये डिस्कशन से कोई नुकसान नहीं है, फालतू का जान जाए, मतलब हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि हमारा गाड़ी 100% हो और उसमें कब मतलब इस तरह का प्रॉब्लम जो हम लोग नहीं सॉल्व कर सकते वो गाड़ी सॉल्व कर ले, कैसे करेगा।
मतलब उसको भविष्य का नॉलेज होना चाहिए, तभी वो कर पाएगा, तभी वो डिसाइड कर पाएगा, ओ नहीं 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 वो बस में सिर्फ क्रिमिनल थे तो हम उसको ठोंक दिए तो वो ज़्यादा अच्छा था। मतलब तो आप उसको सिर्फ यही बोल सकते हो कि लाइफ को गिनो, अगर मतलब वो गिन पा रहा है कि 5-6 लोग का एक्सीडेंट होगा कि एक लोग का होगा, तो एक लोग पे ठोंको, क्योंकि फिर आप ये बात मान जाएगी लोग पेडेस्ट्रियन नहीं चलेंगे, कुछ तो कीमत देना ही पड़ेगा ना। ऐसे कौन सा पेडेस्ट्रियन शेप है, जब देखो तब तो हमारे भाई जी तो फ्री फंड के ऊपर पहुँचा देते हैं लोगों को। तो समझिए कि ये सब इंसान का जो थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा भावना में बह जाना और फिर ये कि 100% चाहिए, ये बहुत भारी लिमिटेशन है। तो फिर बात ये बनता कि हम लोग भविष्य में क्या देखेंगे। पहले ये समझिए 25 साल में कुछ खास नहीं है, लेकिन 50 साल में बहुत हो जाएगा। 50 साल में हर गाड़ी सेल्फ ड्राइविंग हो जाएगी, बस ट्रक कार सब। तो आप बोल रहे 50 क्यों लगेगा जब ये अभी मतलब मार्केट में मिल रहा है। टेस्ला का तो अभी मतलब कल ही उसका ये अपडेट पैक आया जिसमें टेस्ला का गाड़ी में अब ऑटो पायलट आ गया, सब गाड़ी में जो बिक चुका है उसमें एक सॉफ्टवेयर पैकेज डाल के उसको ये दे दिया सेल्फ ड्राइविंग दे दिया। तो इतना टाइम क्यों लगेगा? टाइम इसलिए नहीं लगेगा कि मतलब टेक्नोलॉजी नहीं, टेक्नोलॉजी पहुंच गई है, टेक्नोलॉजी अब मैच्योर हो रही है। तो समझिए गाड़ी खुल चुकी है, टेक्नोलॉजी मैच्योर हो रही है, लेकिन हमारा पॉलिटिक्स और पॉलिसी जो है वो अभी तक चेंज नहीं हुआ है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, ये रिसेंट मतलब ये टेस्ला का एक्सीडेंट है। मतलब लोग गाड़ी के बारे में भी बहुत सीरियस थे कि मतलब पहले भी बहुत एक्सीडेंट होते थे तो लोग गाड़ी बैन कर देना चाहते थे कि पेडेस्ट्रियन लोग फ्री फंड के मर जा रहे हैं, लेकिन आज देखिए आज गाड़ी हर जगह है और आज भी लोग ऊपर जा रहे हैं। तो समझिए कि मतलब आपको झेलना ही पड़ेगा, फ्री विल का कीमत आपको भरना ही पड़ेगा, कोई ना कोई तो ऊपर जाएगा ही। तो जैसे ये टेस्ला मॉडल था जिसमें ऑटो पायलट था, उसमें ऑटो पायलट वार्निंग दे रहा था प्लीज़ टेक द स्टेयरिंग व्हील, लेकिन आदमी जो बैठा हुआ था वो नहीं लिया। और चूंकि इसका पूरा रिकॉर्डिंग है डिटेल के साथ तो एकदम साफ साफ दिखा, मतलब कंप्यूटर चिल्ला रहा है भैया प्लीज़ टेक द स्टेयरिंग व्हील, लेकिन नहीं लिया और एक्सीडेंट हो गया। फिर जैसे ये हुआ वॉल्वो वाला, इसमें मतलब जो लोग भी फुटेज देखे हैं कि मतलब क्या गाड़ी के नज़रिए से क्या हो रहा था, वो कोई इंसान उतना स्पीड पे रिएक्ट नहीं कर पाता, मतलब कर ही नहीं पाता, और कंप्यूटर भी नहीं कर पाया। मतलब कंप्यूटर बस ये हो गया कि वो डिटेक्ट कर लिया, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। मतलब अगर आप गाड़ी में ब्रेक अभी लगा देते हैं तो गाड़ी ऐसा नहीं होता कि अभी रुक जाएगा, थोड़ा देर बाद रुकेगा, थोड़ा दूर जाने के बाद रुकेगा। और स्पीड ऐसा नहीं है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे से आप जीरो पे आते हो, वो धीरे होता है। उस दरमियान मान लीजिए आपका स्पीड से 35 तक ही हुआ था, आप 35 पे ठोंके। तो इस कारण से मतलब ऐसा ऐसा सिचुएशन होगा ही, आप और आज नहीं तो कल होगा ही। तो इस कारण से काफ़ी लोग तुरंत नहीं होने वाला है, काफ़ी लोगों की जान जाएगी, लेकिन जहाँ 300-400 लोग डेली जा रहे हैं वहाँ 30-40 लोग जाएंगे। और चूँकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्मार्ट पे स्मार्ट होता चला जाता है, एक गलती से दूसरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख सकते हैं, तो बेटर पे बेटर होता चला जाएगा। इसलिए ऑटो पायलट कार आने वाला है, फिक्स है, आज नहीं तो कल आ ही जाएगा। तो इसमें आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि आने वाला है कि नहीं, सवाल है कब आएगा। तो ये था मेरा वीडियो फ्यूचर फ्राइडे के बारे में, ऑटो पायलट कार में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो। अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं लगा है कोई बात नहीं, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। मैं कहूँगा कि आप कमेंट लिखिए अगले एपिसोड में आप क्या देखना चाहेंगे। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं #FutureFriday, और मैं कहूँगा कि आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फ्री हैं तो घंटी बजा दीजिए। आपने मेरा वीडियो देखा, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।